दोस्तों, क्या हालचाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से होंगे। मैं हूँ जी नवीद मलिक और मैं अपने गांव में हूँ। आपको मेरी हालत देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी तक मुंह भी नहीं धोया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो आज मैं आपको अपने गांव की कुछ सैर करवाऊंगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरा साथ देना है और वीडियोज़ को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। उम्मीद करता हूँ आपके आपको अच्छा लगेगा ये थोड़ी सी सैर करके, विज़िट करके। तो चलिए फिर वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं हूँ जी आपका अपना दोस्त नवीद मलिक और आज मैं आपको लेके आया हूँ सरसों के खेत में। तो सुबह सुबह का टाइम है, देखें जनाब ये सरसों के फूल हैं। ये फ्रंट पे हमारे सामने एक फूल है जनाब, ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है। इसका कलर देखें और इसके पत्तों पे हल्की 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 आपको नज़र आ रही होगी, अभी तक शबनम जमी हुई है। यहाँ पे देख लेंगे, ये वाला पत्ता जो है बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जी पूरे का पूरा खेत है, तो जानवरों के एज़ा चारे के लिए बीजा गया है ये सरसों। तो इसी सरसों से हम लोग जो साग खाते हैं वो भी बनता है, कि वो इससे पहले बनता है। ये जो फूल आ गए हैं अब तो ये अपनी कंडीशन में आ चुका है, यानी कि इससे आगे तो इसका बीज बनेगा ये फूलों के बाद। और बीज बनाने के लिए भी उन लोगों ने माशाल्लाह से एक और तरीका अपनाया है, क्योंकि ये सारा जो है ना ये उन लोगों ने नहीं रखना बीज के लिए, इसमें से कुछ कुछ जो है वो बाकी बचाएंगे। तो ये आप नीचे देख सकते हैं इनकी जड़ों में, ये दो यानी के दो फसलें हैं ये नीचे, ये चारा चारे के लिए उन लोगों ने उगाया था जानवरों के लिए। और ये इधर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, साग है अभी तक हल्का फुल्का जो है ना कहीं कहीं नज़र आ रहा है बीच में, जैसे कि ये वाली दो तीन गंदलें हैं, हम इनको बोलते हैं गंदलें, गंदल होती है गंदल। और ये समझ लें यहाँ पे ये वाली, ये जो आपके सामने अभी आ रही है, ठीक है ना, ये वाली, इसमें अभी तक फूल नहीं आए, लेकिन ऊपर हैं सही, लेकिन अभी तक खिले नहीं हैं, बंद बंद है अभी तक। ये साग के लिए इस्तेमाल होती है। और इधर आगे चलते हैं इस साइड पे। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ से उन लोगों ने ना बीज बनाने के लिए भी रखने हैं, तो वो कैसे रखते हैं ये आप देख लें। इस साइड पे जो है वो ज़्यादा घना है, ये सरसों घना है बहुत ज़्यादा है। और इस साइड पे देखे तो नीचे इन लोगों ने जो पट्टे थे, जो चारा था वो काट लिया है, और ये बाकी सरसों हैं इसका कहीं कहीं पे एक एक जो है ना पौधा ये इन लोगों ने रोक दिया है, नहीं काटा। इसका मतलब क्या है कि इसको ये लोग एंड तक छोड़ देंगे, नीचे जो चारा है ये वो काट लेंगे बार बार, जितनी भी बार होगी। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ जो है ना ये तकरीबन 4 से 5 बार उगती है बार बार, वरना कोई भी फसल है जब एक बार काट ली जाए तो वो दोबारा नहीं उगती। ये नीचे देखें जनाब, ये शलजम पड़े हुए हैं, ये नीचे जो है ये देसी देसी बोलते हैं हम लोग इनको, तो ये जानवरों के खाने के काम आते हैं। अभी तो ये बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन ये जब छोटे होते हैं, इससे छोटा साइज़ होता है ना, तो उस वक्त खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। इसका मसला ये है कि ये जो है ना अंदर से वो हो जाते हैं थोड़े से, यूँ समझ लेना कि अंदर से इनके पानी ख़त्म हो जाता है, पंजाबी में हम इनको बोलते हैं फूकले, ठीक है, वो हो जाता है, इस वजह से ये इतना आम इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो दूसरे खाते हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए, हांडी के लिए दूसरे इस्तेमाल होते हैं।
ये इस साइड पे वहां तक आपको नजर आ रहा होगा कि वहां तक पट्टे काट लिए गए हैं, चारा काट लिया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे इनका नुकसान करके भी गया है। नुकसान क्या है कि इसमें अभी तक कुछ गंदलें थी साग वाली ना, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से वो किसी ने ना तोड़ लिए हैं, तो इन बेचारों का वो तो नुकसान हो गया क्योंकि इसके अब ऊपर ना तो ये उगेगा और ना ही इसमें से जो है ना फूल निकलेंगे और ना ही बीज बन पाएगा। ये आप देख सकते हैं इधर आगे भी काफ़ी है, मैंने तो समझा था सिर्फ ये दो तीन है, ये साइड तो बिल्कुल ही गंजी की हुई है उन लोगों ने, बेचारों का नुकसान कर दिया है। इस साइड पे ये देखें वो वहाँ आगे तक है, ये देख के तो बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि ये तो अच्छा नहीं किया। अच्छे खासे ये देख लें आप मोटे तने थे ये वाले, ये समझ लें ये वाले पत्ते देखे यहाँ पे भी है शबनम, कितनी ज़बरदस्त लग रही है ठंड में जमी हुई। जमी हुई तो नहीं है लेकिन फिलहाल जो है ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। इस साइड में देख लें ये वाले पत्ते हैं, तो ये अब देखें पौधा कितना बड़ा था लेकिन इसको जो है ना यहाँ से ये जगह यहाँ से तोड़ लिया गया ये वाली जगह, ये तो बेचारों का नुकसान हो गया। अब इसमें से ही सिर्फ ये वाला फूल ये बीज बनेगा और एक ये नीचे है यहाँ पे ये वाला, सिर्फ इसमें से बीज बनेगा बाकी नहीं बनेगा। ये देखिए जी इस साइड पे यहाँ तक इन लोगों ने काटा है अभी तक, तो अब लोग जनाब कमेंट्स में मुझे लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, ये देसी व्लॉगिंग है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सरसों के खेत। अच्छा एक और मज़े की बात पूछना ये चाहता था कि अक्सर मैंने देखा है कि ये जो व्लॉगिंग करते हैं लोग, लोगों के पास तो माशाल्लाह हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं और मेरा ये सिर्फ ना एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है जिसमें मैं अपनी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। आपने मुझे सिर्फ कमेंट्स में बताना है फ्रेंड्स कि आपको ये कैमरे का रिज़ल्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको देखने में, कोई दिक्कत परेशानी वो तो नहीं आ रही है, अगर है तो मुझे बता दीजिएगा और अगर नहीं है तो भी मुझे बता दीजिएगा। इससे ये होता है कि मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाएगा, इस बात का पता चल जाएगा कि वाकई मैं इस कैमरे से वीडियो शूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये कि कैरी करने में भी आसान होता है कहीं पे भी लेके आने जाने में। कैमरा जो है एक तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है, ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल है। अब ये तो वन हैंडेड यूज़ हो जाता है, ये सामने गंदम की फसल है, वो अगला वाला खेत जो है उसमें मटर काश किया हुआ था लेकिन वो उन लोगों ने वहाँ से ख़त्म कर दिया है और अभी वो खाली हो चुका है, उसमें हल वगैरह लगाए थे उन लोगों ने, अब नया कुछ बीजेंगे देखते हैं क्या होता है। और इस साइड पे ये अभी तक खेत ये छोटा है सरसों, इसमें अभी तक जो है इन लोगों ने कुछ नहीं काटा, यहाँ तक वो आगे तक जा रहा है, तकरीबन ये एक एकड़ बन जाता है, तकरीबन ये ना आधा एकड़ ज़मीन बन जाती है दोनों साइड से, इस साइड से इस साइड से दोनों साइड से ना मिला के, बल्कि मैं तो कहता हूँ आधे से ज़्यादा है। सामने सूरज और वो पहले वाला जो आपको दिखाया था खम्बे की दूसरी साइड पे कब्रिस्तान, ये जनाब खेत। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और ये अपना कल्चर है, अपना देश है, पंजाब है, पाकिस्तान है, इसको इसी तरह से प्रमोट करते रहिएगा। मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।